हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज फिर हम कॉलेज जाने लगे हैं। हमारी फिजियो की लैब है आज, और उस दिन हमारी डिस्को की स्लाइड्स थी, तो आज हमारी फिजियो की लैब है। तो कॉलेज जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, हालत बड़ी ख़राब हुई बड़ी है। मैं भी उठता हूँ, नहाता हूँ और फ्रेश होता हूँ और दोस्तों के साथ निकलते हैं। फिर मिलते हैं आपको कॉलेज, तो आपको दिखाते हैं हम फिजियो की लैब और फिजियो के प्रैक्टिकल्स वगैरह की तैयारी करनी है जब हमने, तो उधर ही जाके आपको दिखाते हैं माहौल सारा कॉलेज में। तो ओके गाइस, मिलते हैं, मैं भी फ्रेश हो गया। ओके गाइस, ये वासे भाई के पास जा रहे हैं उनको उठाने, तो चलते हैं फिर कॉलेज। वासे भाई को लेते हैं साथ। वासे भाई वो लेटे हैं आराम से, जाना नहीं है कॉलेज? वासे जी भाई, उठ ले यार, कॉलेज चलते हैं। छोड़ो यार, पढ़ लिख के क्या करोगे? थोड़ी तैयारी कर लेते हैं यार, फिजियो के प्रैक्टिकल आ गए यार। 65 नंबर है यार, उठ ले जानी, थोड़ी सी तैयारी कर ले यार। प्रैक्टिकल नहीं तो पास कराने, अपनी हालत देखिए पेपरों में क्या करके आए हम। फिजिक्स का कैसा हुआ था पेपर तेरा? मुझे दम लगा यार, पास हो जाएगा, टेंशन ना ले, उठ ले सीरियस में, उठ ले यार प्लीज भाई। नहीं है सर, नंबर नहीं देंगे यार, कसम से क्या देंगे। उठ ले यार, चल तैयारी कर ले, चल क्या खाना है? मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा तुझे, चल आ जा। हाँ सीरियस में, सच्ची सच्ची पक्का? हाँ पिज़्ज़ा खिलाएगा, हैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, चलो उठ ले। पेट्रोल तो नहीं डलवाना फिलहाल, तो बाइक में पेट्रोल वैसे नहीं है, और पेट्रोल तो डलवा दी, पिज़्ज़ा मैं खिला दूंगा। चल जा पहले पेट्रोल डलवा, फिर चलते। पेट्रोल है नहीं ना, तूने डलवाना है वो तो, निकल के उठेंगे तो जाएगा तो डलवाएंगे ना। पेट्रोल है अब्बे का नहीं है तो अपना तो है ना यार। उठ ले यार, उठना जानू, उठना, चलते हैं ना। उठ ले यार, उठ ले यार, मैं नहीं जा रहा, उठा के जाऊंगा तुझे। चला जा अकेले, चला जा। अकेला क्या करूंगा मैं जाके? वैसे तेरे पास कोई बच्चे भी नहीं है, क्या करेगा? हाँ सही बात, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भी तेरी बात ठीक है, बगैर दिया ना मार। अब चलो उठ ले यार प्लीज, तैयारी कर ले। मेरे लिए पानी गरम कर दे, ठीक हो गया। पानी गरम, गर्मी है यार, इतना जाके चेक कर, गरम पानी आ रहा है ऊपर। चले वासे भाई का 3 पीस निकालते हैं गाइस। हम ये तो लाग है यार, इसकी कीज किधर है? कीज किधर है इसकी? नहीं पता, वो तो मैं ही उठा के ले गया था, अभी याद आया। गाइस ये वासे भाई कीज हमारे पास ही हैं, ये देखें, कबर्ड खोलते हैं और देखते हैं 3 पीस सूट कौन से वाला लगा हुआ है अंदर। कौन सा 3 पीस सूट है भाई? ये वाला? ये नहीं है मेरा। हाँ ये तेरी तो है, वासे लिखा हुआ था ऊपर। गाइस ये एम ही मार रहे हैं चपलियाँ, कोई 3 पीस सूट नहीं पड़ा अंदर। ये ले यार चाबी, चल सही है, ये शर्ट सही डाली हुई तूने, ग्रिफिनडोर वाली, कौन सी है? अल्फा, टीम अल्फा, सॉरी। चल उठ ले यार, मैं जा रहा हूँ नीचे, तैयारी श्यारी करता हूँ, तो आधे घंटे तक निकल रहे हैं, फिर तैयारी कर ले तू, हैं? ओके हो गया, लव यू। हाँ तेरी मर्सिडीज में जाके साफ करता हूँ बाहर, तूने चलानी हो जाहिर है, पेट्रोल तूने डलवाना है, चलानी चलानी भी तूने। गाइस फाइनली मैं हो गया हूँ रेडी, बस का पता करते हैं और फिर निकलते हैं कॉलेज। फिर कॉलेज जाके आपको मजीद दिखाते हैं ब्लॉग के सीन्स। ओके वासे का पता करते हैं, ये देखें वासे तैयार हो रहा है भाई, कंगी शंगी हो रही है, क्या बात है, पप्पू लग रहा है कसम से। फाइनली गाइस हम ये जा रहे हैं कॉलेज, ओह माय गॉड, बाइक की हालत चेक करें क्या हुई पड़ी यार, ये तो मट्टी मट्टी पड़ी, उधर होगा टैंक फ्यूल के साथ, उधर ही साइड में चेक करें। गाइस आप हालत चेक करें क्या हुई पड़ी है बाइक की, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, मैंने कल वॉश की थी, हालांकि यहाँ पे इतनी मट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि डेली यहाँ पे बाइक साफ़ करनी पड़ती है। हालत चेक करें आप क्या हुई पड़ी है, ओह माय गॉड, ये हालत है हमारे हॉस्टल की, सरगोदा में मट्टी मट्टी है इतनी ज़्यादा, बकर से भी ज़्यादा मट्टी है यहाँ पे ना, मैं तो समझता था हमारा इलाका ये हल्का, उधर ही ज़्यादा मट्टी होगी, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा मट्टी है, बकर से भी ज़्यादा।
ये चेक करें आप गाइस, हो गया यार इसी में निकलने लगे हैं हॉस्टल से और आपको जाके मिलते हैं उधर ही कॉलेज में। फाइनली गाइस हम निकल पड़े हैं कॉलेज के लिए, क्लास हमारी 12 बजे होती है इसलिए हम बाइक पे जा रहे हैं, इसलिए हम बस नहीं आई ये गाइस फैसलाबाद रोड है और हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। लेट भी हो रहे हैं हम काफ़ी, 12 इधर ही बज गए, हालांकि हमने 12 बजे पहुंचना था आज। वैसे भाई पेट्रोल पंप पे लेके जाना, पेट्रोल भी डलवाना है आपने ना। कौन सा पेट्रोल? ये सामने पंप आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट पे टर्न लेना है। वो बाइक मेरे हाथ में, कोई सीरियस में सीरियस डलवाना नहीं है पेट्रोल। एक मिनट इंडिकेटर लगा दे। तो गाइस हम पेट्रोल डलवा लें फिर आपसे मिलते हैं पेट्रोल डलवाने के बाद। परली साइड पर लेना है, उधर वाले पास चौक इसके लेफ्ट पे ले उधर पे। तो फाइनली गाइस हमने पेट्रोल डलवा लिया और निकल पड़े हैं कॉलेज की तरफ। लग रहा था यार आहिस्ता चला, मारना है नहीं लगता कसम से, लग रहा था यार अभी इतना सा बचे हैं, बिल्कुल अभी एक्सीडेंट होने वाला था हमारा। वैसे भाई जान लेनी है क्या? गाइस हम कॉलेज पहुंच चुके हैं इस टाइम। और ये अंदर जा रहे हैं, अभी एंटर होते हैं, देखते हैं तो कार्ड चेक करवाने पड़ेंगे, हो सकता है ऐसे एंटर होने दे दें हमें। जी जी कॉलेज की हैं, सेकंड ईयर पीएलएस, सेकंड ईयर पीएलएस करी हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। कल कह रहे थे कार्ड चेक करवाएं आप। यार इधर ना कर, इधर करते हैं सामने, उधर जाते हैं पूरा थोड़ी ना निकलना। गाइस फाइनली कॉलेज पहुंच गए, अब लैब की तरफ जा रहे हैं, लैब जाके मिलते हैं क्या सीन है, देखते हैं बच्चे आए हैं कि नहीं। वैसे हम थोड़ा लेट हो गए तो देखते हैं अभी क्या सीन है। ये फिजिक्स लैब यही है यार। गाइस हम खड़े हैं लैब में, ये दो हैं। स्टेथोस्कोप है, ये ऑन ऑफ होती है, कहाँ से ऑन ऑफ किस तरह होनी है, ये इसको घुमा के ऑन ऑफ होती है, रोटेट कर दिया ऑन ऑफ हो गई, ये रुक जा ठीक हो गई, ये डायफ्राम हो गया, ये वाली साइड ऑफ है, ये वाली ऑन ठीक हो गया, अब ऐसे की ठीक हो गया, ये ऑन हो गई ठीक हो गया, अब इसको फील करते हैं यहाँ ठीक, पल्स वगैरह ये
इसको रखना है यहाँ पे मीडियल साइड पे रखना है कि बैटर फोसा पे, ठीक हो गया। ये इसका ये डायफ्राम हो गया फ्रंट वाला, बैक ये इसकी बेल हो गई, ठीक है। ये इसकी ट्यूब्स हो गई, ठीक हो गया। ये इसका एयर पीस हो गया यहाँ से, ठीक हो गया। गाइस ये एस्पेक्मो मोनोमीटर, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, तो नीचे कर दिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया सॉरी, और ऊपर कर दिया तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मर्करी स्टोरेज हो गई, ये कफ हो गया इसका, एयर बल्ब हो गया, ये एयर बल्ब है इसका, नोड हो गया, ये एयर बल्ब हो गया, ठीक हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी क्लॉक एंटी वाइज ऑन बोथ है, ऑन है, एंटी क्लॉक वाइज ही ऑन होना है और क्लॉक वाइज ऑफ होना है ना, क्लॉक वाइज चेक करें एक मिनट, ये देखें ये क्लॉक वाइज ऑन हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज ऑफ हो रहा है। दो से बता ना, बता भी एक्सप्लेन भी करता अब्दुल्ला, एक्सप्लेन कर। हाँ ये यहाँ से आते ये सही टाइट की, ये ताकि सही टाइट। हाँ और कितना फासला रखना है, और यहाँ से कितना रखना है, क्यूबिटल फोर्सेस से 1 से 2 सेंटीमीटर। ये हाँ सही हो गया, फिंगर तक के मीडियल साइड पे बंद कर। हाँ अच्छा, पहले पल्पेटरी मेथड कर रहे हैं, सही हो गया। करो नहीं हो रहा, ये बंद है अब, ये हमने ऑन किया, अब ये ऑफ कर, ऑफ कर और करो और ऑफ करो, चलो इसको 170 इधर से डालने से नहीं मार, ये ऑफ नहीं किया, अब ऑन किया, अब ये ऊपर जाएगा। हां देख सकते हैं आप, ये रुक जा, ये मुझे वो मर्करी सेट करने दो, इसमें से हवा निकाल देना, वो निकल गई, सही है। टाइट टाइट करके बंद कर, टाइट है ये, तुमने खोल दिया यार, बंद कर इसको, टाइट करके। और इसको किस तरह रखा, हल्के से छोड़ना, फील होगी, कौन सा मेथड कर रहे हैं पहले, हम पल्पेटरी मेथड कर रहे हैं। कितने भी फील करने जितने भी रुकेगी आगे वो, हाँ जब फर्स्ट बीट करेगी वही सिस्टोलिक प्रेशर होगा आपका, ठीक हो गया। इस मेथड से हम सिस्टोलिक फील करते हैं, मतलब कितनी आई है सिस्टोलिक, 100 सही हो गया। सिस्टोलिक मैक्सिमम कितना होता है, 120 होता है, वो हाई भी हो सकता है। प्रैक्टिकल हो गया गाइस, बच्चे घर जा रहे हैं वापस, आमिर हो गया प्रैक्टिकल, आमिर कैसा हुआ, खड़े हैं आपको व्यू दिखाते हैं, कितना मज़े का व्यू आ रहा है यहाँ पे, चेक करें आप, ये सामने खेत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े का व्यू है। तो बस अब जाने लगे हैं, मिलते हैं आपको हॉस्टल जाके। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फिजियो की लैब है हमारी, और अब निकलने लगे हैं बस। और हमने प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म कर लिए हैं,
आपको मिलते हैं भाई, और फाइनली वही याद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें भाई वीडियो, बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा करते हैं।